Hello guys, this is Ananya Mishra. Welcome back to my channel. So it's been a long time मैंने कोई रेसिपी व्लॉग नहीं शेयर किया and recently मुझे किसी well wisher ने कहा कि why don't you share नवरात्रि recipe special. So here I am with a very very special video of a नवरात्रि meal or a नवरात्रि dinner. Which is basically very simple कुट्टू की पूरी और आलू टमाटर की सब्जी which I think a lot of you must be knowing, but there are a lot of people also who don't know it. So for them, I am sharing how I make my Navratri dinner, which is kuttu ki puri and aloo tomato ki sabzi. So basically, I have cut down 3 or 4 chilies into very fine pieces, and here I am with 3 tomatoes, roughly cut, and I put them into a chopper. So मैंने उसको एक chopper में रख दिया है. And now आप देखेंगे कि ये जो chopper है वो कितना magical है. You just have to pull the string and ये chopper within seconds आपके टमाटरों को एकदम finely chop कर देता है. तो मैंने इसमें 3 small size के टमाटर लिए हैं और उन्हें इस तरह से देखिए ये finely chop हो चुका है एकदम within seconds. Now मैंने एक pan में थोड़ा सा तेल लिया, very little, और अब मैं उसमें डालूँगी around 1 teaspoon of जीरा और मैं इसमें डालूंगी जो मैंने चिली चॉप की थी. थोड़ी देर तक मैं उसको फ्राई करूंगी और उसके बाद मैं इसमें जो मैंने टमाटर चॉप किए थे वो डालकर मिक्स करके और इसे एक लिड से ढक दूंगी आफ्टर एडिंग टीस्पून ऑफ सॉल्ट. एंड जो सॉल्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे वो रॉक सॉल्ट होगा. ये मैंने लिए हैं 5 आलू और ये देखिए मैजिक से ये आलू कट गए. कितना आसान होता है ना अगर इस तरह आलू कट जाते. सो ये हैं टमाटर जो कि अब पूरी तरह से गल चुके हैं और इसमें मैं अब ये कटे हुए आलू डाल दूंगी और इसमें मैं एक 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर डालती हूँ. इसे अच्छे से मिक्स करके इसे फिर से फॉर 5 मिनट्स मैं ढक दूँगी. अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, टमाटर का रस आलू में पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी पानी. पानी आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं, आपको पतला चाहिए रसा या थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए, उस हिसाब से आप पानी ऐड करिए. थोड़ी देर तक इसको सिम फ्लेम पर आप पकाइए और फिर इसके जो आलू हैं एक आध आलू को आप मसल दीजिए. विद दैट योर अमेजिंग सब्जी इज़ रेडी और अब हम तैयारी करते हैं कुट्टू की पूड़ी की. तो उसके लिए मैं ले लूँगी 3 बॉइल्ड आलू और उसको अच्छे से मैश कर दूँगी इस मैशर से. आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास ये मैशर है तो मैं इससे इसका इस्तेमाल कर रही हूँ. इसको मैश करने के बाद मैं इसमें डालूँगी लगभग 1.5 कटोरी कुट्टू का आटा और उसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक, और लगभग 2.5 टीस्पून ऑयल और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी. पहले पानी इस वक्त ऐड नहीं करेंगे, पानी हम लगभग सिर्फ 1 चम्मच इसमें ऐड होता है क्योंकि ये आलू से ही बाइंड हो जाता है. अगर उससे भी बाइंड हो जा रहा है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए. लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो 1 चम्मच इज़ मोर देन इनफ. उसके बाद हम एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे और इस तरह से लोई हमने रख ली है, उसमें थोड़ा सा आटा लगा लिया और बहुत हल्के हाथ से इसको बेलना है. और जैसे जैसे आप इसको बेलते जाएंगे इसको साइड्स के जो एंड्स इसके टूट रहे हैं इसको आप थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाएंगे और पलटना ज़रा भी नहीं है, इसको बस सर्कुलर मोशन में घुमाते जाना है बिल्कुल ही हल्के हाथ से. इस तरह की ये पूड़ी बन जाएगी और अब हम इसे तेल हमारा जो गर्म हो गया है उसमें इसको डाल देंगे और इसको फ्राई करते वक्त हमें बिल्कुल ध्यान देना कि इसके ऊपर हमें पलटे को ज़रा भी नहीं लाना है, हल्के हल्के से दबाना है ताकि हमारी ये जो पूड़ी है वो अच्छे से फूल जाए और अच्छे से अंदर से पक जाए. एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुली हमारी पूरी जो है वो सक्सेसफुली बन गई है. सो दिस इज हाउ
कुट्टू की पूरी एंड आलू की सब्जी इज बीइंग मेड। होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।